देखिए नॉर्मली सुनने को मिलता है कि लोन नहीं चुकाने पर अपना जान दे दे रहा है, गलत स्टेप्स ले रहा है। लेकिन आज जो है एक ऐसा न्यूज मैंने सुना, वो देखने में मतलब वो सुनने के बाद टोटली शॉक रह गया कि ऐसा भी कर सकता है कोई। टाइटल और थंबनेल में आपने देखा कि लोन नहीं चुका पाया तो अपनी बेटी को जो है सौंप दिया उन दरिंदों को। मतलब ऐसे भी लोग आज के टाइम में है जो कि अपने खून, खुद का खून, बेटी को इस तरीके की चीजों में धकेल देता है। अरे भाई खुद लोन लेते हो, खुद चुका नहीं पाते हो, तो भाई बेटी का क्या यहां पे कसूर? एक आर्टिकल में ऐसा लिखा है जो कि देखने के बाद आप लोग मतलब शौक रह जाओगे। सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, आप लोग शौक रह जाओगे देखने के बाद, सुनने के बाद। तो मैं अपने फोन पे दिखाता हूं वो आर्टिकल, आखिर है किस तरीके का आर्टिकल लिखा है वो आप देखिए। जो न्यूज है पत्रिका आर्टिकल में, एक न्यूज़पेपर है शायद ये न्यूज़पेपर जयपुर का, तो उसमें लिखा है यहाँ पे, ये जयपुर का ही एक न्यूज है। शर्मनाक, कर्जा उतारने के लिए बेटी को दरिंदों को सौंपा, पीड़िता ने पिता सहित 15 लोगों को खिलाफ लगाया बलात्कार का आरोप। मतलब ऐसे भी लोग हैं अभी के टाइम में, मतलब ये क्या है? मतलब गलत स्टेप्स ले रहा था, खुद से जो है लोन नहीं चुका पा रहा था, जिसके चलते जो है गलत स्टेप्स ले ले रहा था। अब ऐसे ऐसे न्यूज भी सुनने को मिल रहा है कि भाई अपने बेटी को बेच दे रहा है। मतलब लोन, आप लोग समझो कि लोन कितना खतरनाक चीज होते जा रहा है, दिन ब दिन कितना खतरनाक होते जा रहा है। अगर आप लोन लेते हो, अगर आप लोन नहीं चुका पाते हो, तो क्या हो सकता है आप लोगों के साथ? आप लोगों को पता होगा आप लोग लोन क्यों लेते हो, कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम से आप निकल पाओ जल्दी से जल्दी, आसानी से निकल पाओ। किसी ऐसी सिचुएशन में आप पड़ गए जहां पे पैसे की जरूरत है, मेडिकल इमरजेंसी हो गया, आपके पास पैसा अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन आप काम करते हो, आपका पैसा जो है नेक्स्ट मंथ आने वाला है, लेकिन अभी जो है पैसे की जरूरत है, तब क्या करते हो आप लोग? लोन लेते हो कि ताकि आप लोगों का जो भी काम है वो जल्दी से जल्दी हो जाए और आसानी से आप लोग वहां पे जो भी चीजें आप लोगों के साथ हो रहा है, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम फेस ना करो। लेकिन वो तो प्रॉब्लम से आप लोग निकल जाते हो, लेकिन होता क्या है बाद में, जब आप रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, जब आप रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, तब जो है सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होता है आप लोगों के साथ। इतना हैरेसमेंट करते हैं ये लोग, आप लोग गलत डिसीजन लेते हो। गलत डिसीजन तो छोड़ दीजिए, ये सब न्यूज भी सुनने को मिल रहा है। ऐसे माँ बाप भगवान किसी को ना दे। ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए आप लोग बोलिए, क्या करना चाहिए? सिंपल तरीके से, ऐसे लोगों को पुलिस अरेस्ट किया है, चलो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरीके के लोगों को ना जिंदा जमीन में गाड़ देना चाहिए। मतलब मेरे अंदर इतना मतलब क्या बोलूं, अब किस तरीके का भाषा में मैं बात करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा भी चीजें हो रहा है अभी के टाइम में, मतलब देखने के बाद या फिर सुनने के बाद टोटली मैं शॉक रह जाता हूं ये सब चीजें, कि लोन इतना खतरनाक चीज दिन ब दिन होते जा रहा है, इतना हैरेसमेंट लोगों को कर रहे हैं, लोग इस तरीके से फंस रहे हैं। मतलब क्या बताऊं आप इसके लिए, आप कोई शब्द ही नहीं है बोलने में, बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। देखिए लोन लेने से पहले 100 बार सोचिए। देखिए ये वीडियो बनाने का मोटिव एक ही है कि आप लोग अगर लोन ले रहे हो तो लोन लेने से पहले 100 बार सोचो कि ये लोन मैं ले रहा हूं, ये लोन लेने का मुझे इतना ज्यादा जरूरत है जो कि अभी लेना पड़ेगा, तो यहां पे मैं लोन चुका पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। सबसे मेन चीज आप लोगों को समझना है, आप लोगों को सोचना है लोन लेने से पहले कि मैं इसका चुका पाऊंगा या फिर नहीं चुका नहीं पाऊंगा। अगर चुका पाऊंगा तो लोन लूंगा, अगर चुका नहीं पाऊंगा तो लोन नहीं लेना है, नहीं तो एट द एंड ये सब सिचुएशन देखना पड़ेगा आप लोगों को। लोन लेना आसान है, लेकिन लोन को चुकाना इतना भी आसान नहीं है। आप लोग देख रहे हो ये चैनल मैंने बनाया है, नया चैनल नहीं है, ये चैनल 2 साल हो गया है, मेरा नया चैनल भी है। आप लोग देख रहे हो किस तरीके से हैरेसमेंट करते हैं लोगों को, अगर आप लोन लेते हो, लोन से फंस जाते हो तो क्या चीजें ये लोग करते हैं। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि लोन लेने से पहले 100 बार सोचिए। और एक चीज, लोन लेने में आप लोग, कोई मेडिकल इमरजेंसी है वो चलो माना जाता है, लेकिन एक ऐसे बेवकूफी जैसी काम करते हो आप लोग, क्या बताऊं, कि लोन लेने के बाद आप लोग कोई गेम खेलते हो, गैम्बलिंग। अब ये लोन गैम्बलिंग लेके, अब आप लोग ये यहां पे लोन लेके गैम्बलिंग खेलना,
या फिर गैम्बलिंग में इन्वेस्ट करना, क्या ये सही बात है? सबसे मेन प्रॉब्लम अभी के टाइम में 90% लोग ये सब सिचुएशन फेस कर रहा है कि लोन लेने के बाद गैम्बलिंग में इन्वेस्ट कर रहा है। अब गैम्बलिंग में इन्वेस्ट करने से क्या हो रहा है कि सारा पैसा जो है डूब जा रहा है। अब पैसा डूब गया, वो पैसा तो वापस करना पड़ेगा। अब हमारे पास जॉब नहीं है, क्या करूं? तब दूसरा लोन ले रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम और ज्यादा जो है बड़ा होते जा रहा है। छोटा प्रॉब्लम था, वो छोटा प्रॉब्लम बड़ा होते जा रहा है धीरे धीरे। तो एक गलती के लिए आप लोग इतना बड़ा मुसीबत में पड़ जाते हो। आप लोगों को पता भी नहीं होता है कि इतना सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है आप लोगों को। सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज लोन लेने से पहले, प्लीज हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप लोग लोन लेने से पहले 100 बार सोचिए। बस यही बोलने के लिए वीडियो बनाया था कि इतना खतरनाक चीज सुनने को मिलता है, तो प्लीज आप लोग ये सब चीजों में ना फंसे, ये सब बहुत खराब चीज है। बाकी अगर फंस गए हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं आप लोगों के साथ, आप लोगों को मैं निकल कर ही रहूंगा ये सब चीजों से। हर रोज मैं वीडियोस लाता हूं आप लोगों के लिए, तो ये भी जो है एक लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया। और ये एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें। लोगों को पता भी होना चाहिए कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है लोन लेने के बाद, तो लोन बिल्कुल ना लें, यही मैं रिकमेंड करूंगा सभी को। तब तक के लिए चलते रहे, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।